गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी दगड़ों तय मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं पूजा भंडारी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पूजा नारायण ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर मैं हो गई हूँ फुल रेडी और हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, मैं और मिस्टर जी। तो फिर करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू और सफ़र का मज़ा लेते हैं। तो दिखाऊँगी मैं आपको कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज। तो फिर करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। ये आ रहा है हैवी ड्राइवर और चलते हैं आज एक नई जगह, दिखाएंगे आपको कहाँ जा रहे हैं। तो हमारा सफ़र हो गया है कंटिन्यू स्टार्ट मतलब, और हमारे आगे से जा रही है शादी वाली कार। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बस कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा। ये हमारा खूबसूरत सा रास्ता कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ रास्ते में पड़ गया है जंगल। तो जंगल से होते हुए सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। शनि मंदिर अभी नहीं जा रहे हम लोग, आते हुए जाएंगे। तो अपने इस खूबसूरत से सफ़र को कंटिन्यू करते हुए हमें भी यहाँ पे ठंडा भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जंगल ही जंगल है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं हो रही है जिससे ठंडा हो रहा है। तो फिर जंगल से होते हुए चलते हैं हम लोग। इस घर से हमें लगा कि सिर्फ हम ही लोग जा रहे हैं पर यहाँ पे देखिए भीड़। यहाँ से कार आगे नहीं जाने दे रहे, अब देखते हैं स्कूटी बाइक जाने देते हैं या नहीं। हम लोग स्कूटी से आए हैं तो देखते हैं फिर। तो स्कूटी वालों को मना नहीं कर रहे, स्कूटी भैया लोग आ रहे थे मतलब हमारे साथ नहीं आ रखे हैं वो, उन्होंने हमें रास्ता भी बताया और वो यहाँ भी आ रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहीं कहीं लगा दो क्योंकि आगे भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग यहीं कहीं लगा देंगे स्कूटी। तो गाइज हम लोग ऐसे ही घूमने आए थे पर हमें पता नहीं था यहाँ पे मेला लगा है। तो हम लोग पहुँच गए हैं, पहुँचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे मेला लगा है। तो फिर लेते हैं मेला का मज़ा। गाइज हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे हैं अभी और यहाँ रास्ते में मेला लगा था। तो हम दोनों ने सोचा कि ज़रा मेला भी देख लेते हैं फिर उसके बाद जाएंगे हम। मेला कुछ ऐसा है और यहाँ पे लगी है बहुत भीड़। तो अभी हम लोग मेले के अंदर जा रहे हैं। मेरा
ये मैंने आरुई के लिए रखा है। हमारे मेहमान ये मैंने ले लिया है आरुई के लिए और तो गाइस यहाँ पे देखिए छोटे से बच्चों का डांस होने वाला है। कौन सा वाला डांस करोगे? नेपाली वाला गाना? अच्छा तो ये देखिए छोटे से छोटे छोटे बच्चों का इसके बाद डांस है होने वाला है यहाँ पर डांस। यहाँ पे देखिए बच्चों ने अपने लिए क्या खरीदा है तो इसको खाएंगे हम लोग। तो गाइस हम लोग यहाँ से जाने वाले थे लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है तो मैं फिर से वापस आ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका डांस है? हाँ जी। कौन सा वाला? मारुनी डांस है। अच्छा इसके बाद है? नहीं अभी दो डांस के बाद। अच्छा तो इसके बाद भैया लोगों का डांस मतलब दो डांस होंगे उसके बाद भैया लोगों का डांस होने वाला है। तो भैया लोगों का लुक बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग। तो आ गई हूँ मैं वापस, वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं लेकिन हमें अभी कहीं और जाना है तो मैं अगर वहाँ से आने के बाद प्रोग्राम होते रहेंगे तो फिर और दिखाएंगे हम आप लोगों को। और यहाँ पे जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये मतलब गोरखाली लोगों का हो रहा है और वो लोग मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं इस लुक में। तो इसके बाद अगर टाइम लगेगा और अगर हमारे आने तक प्रोग्राम होते रहेंगे तो फिर जाएंगे हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम देखने के लिए। देखिए मिस्टर जी ने अपनी बचपन की सारी यादें ताज़ा कर ली है और यहाँ पे ले रखी है संतरे वाली टॉफ़ी, ऑरेंज वाली टॉफ़ी और दूसरे हाथ में ये बच्चों का क्या क्या बोलते इसको क्या बोलते हैं हमें नहीं पता पर ले लिया है हमने। तो यहाँ पर हमने फिर से अपना जंगल वाला सफ़र कंटिन्यू कर लिया है। तो फाइनली इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे। तो फिर हम पहुंच चुके हैं बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक और ये 1814 का बना हुआ है। तो फिर अंदर जाते हैं, अंदर है स्मारक। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं खलंगा स्मारक जो कि एक युद्ध की याद में बनाया गया है। ये युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों व गोरखा सैनिकों के बीच। एक तरफ 600 गोरखा सैनिक और दूसरी तरफ 3500 अंग्रेजी सैनिक जिनका यहाँ पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंत में हार गोरखा सैनिकों की हुई। हार का कारण यह था कि गोरखा सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, उनके पास महज खुकरी भाले और तीर कमान थे जबकि अंग्रेजी सेनाओं के पास आधुनिक हथियार बंदूक एवं तोप के गोले थे, इसलिए गोरखा सैनिक हार गए। तो फिर कैसा लगा आप लोगों को खलंगा युद्ध स्मारक कमेंट बॉक्स में बताना। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो अब हम लोग जाएंगे मेले में। दिखाती हूँ मैं आपको मेला। यहाँ का रास्ता कुछ ऐसा है मतलब ढलान वाली रोड है इसलिए ना एक छोटा सा बच्चा था वो अपने पापा को कह रहा कि पापा जब हम ढलान पे जाएंगे तो आप बाइक बंद करके चलाना फिर हमारा तेल बचेगा। ये यहाँ पे जो ये गड्ढा खोद रखा है ये इसलिए खोद रखा है कि जो बारिश का पानी आएगा वो यहाँ पे जमा होगा। हमारे इधर भी हमारे गाँव में मतलब रोज़गार का काम लगता था उसमें होते थे ये गड्ढे और ऐसे ही मतलब जैसा ये गड्ढा है ऐसे ही बहुत सारे गड्ढे खोद रखे हैं इन्होंने। तो ये एक तरफ से बहुत अच्छा काम किया गया है यहाँ पे, अच्छा है मतलब पानी रोकने के लिए। वहाँ सामने पे कुछ मंदिर है शायद, किसकी मंदिर है पता नहीं, देखते हैं वहाँ पे जाके। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे मंदिर में।
जो भी आ रहा है उसे ऐसा लग रहा है मतलब यहाँ तो पहुँच गए और कितना दूर है। एक छोटा सा बच्चा था वो, उसकी मम्मी ने पूछा कि और कितना दूर है, तो हमने कहा कि थोड़ा सा है। वो कह रहा कि सारे कह रहे हैं कि थोड़ा सा है थोड़ा सा है, लेकिन वो थोड़ा तब से आ नहीं रहा है, हमने भी ऐसा ही सोचा था। तो यहाँ पे है चंद्राणी देवी मंदिर, जाते हैं मंदिर के अंदर। तो ये रहा मंदिर, माता चंद्राणी देवी मंदिर। बलभद्र, अच्छा वो शिवजी के जो थे, शिवजी के परिवार के बलभद्र। आपका नाम क्या है? नित्या। नित्या? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी मैरीगोल्ड। और कहाँ से आए हो? मैं अपन नेहरू ग्राम देहरादून। अच्छा, फिर से आ गए हैं मेले में। ज़्यादा हो गया है तो अब चलते हैं फिर घर। फिर अब चलते हैं घर की ओर। और हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर बाय बाय खलंगा। उस टाइम जब हम ऊपर जा रहे थे तो मैंने कहा था हम शनिदेव के मंदिर में बाद में आएंगे, तो हम अभी आगे हैं यहाँ पे। यहाँ पे है भोले बाबा, जय हो भोलेनाथ।
यहाँ पे हैं बाबा परशुराम, भगवती माता, गणपति बप्पा मोरिया, माँ काली, और यहाँ पे हैं जय शनिदेव। भगवान आप सब पे भी कृपा बनाए रखे और हम पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर पे, और आरवी के लिए क्या लेके आए मैं, आरवी दिखा। और हमें ये कैसा लगा? बहुत अच्छा। और मुझे कल बताऊं क्या मिला? कैंडी भी दिखा दे, कैंडी। कल मेरे को ये पकड़ कर, कल मेरे को मिला, ऐसे मिले ये आरोही ने मेरे लिए घूमने के लिए रखे है। ये देखो खजाना खजाना खजाना, पैसे 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 पैसे। तो फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।